अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बर्ड्स एंड मोर। जी हाँ, तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको परिंदों के ब्रीडिंग सीज़न के बारे में बताऊँगा कि बर्ड्स का ब्रीडिंग सीज़न कब स्टार्ट होता है और कैसे आप अपने बर्ड से अच्छी और ज़्यादा ब्रीड ले सकते हैं। तो ये सब मैं आपको बताऊँगा आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा लाजमी देखें, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप अपने बर्ड से ज़्यादा और अच्छी ब्रीड कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना ये है कि आप अभी से अपने बर्ड्स को सॉर्ट फूड यूज़ करवाना शुरू कर दें। इससे होगा क्या कि आपके बर्ड्स में प्रोटीन्स और कैल्शियम वगैरह होने की वजह से ऑटोमेटिकली ब्रीड अच्छी हो जाएगी। फिर इसके बाद नेचुरल पेयरिंग आ जाती है। नेचुरल पेयरिंग से मुराद आपके बर्ड अपनी मर्ज़ी से अपना पेड़ लगाएं, बर्ड्स को एक खुले केज में फ्लाई दें ताकि वो अपनी मर्ज़ी से पेयरिंग कर सकें। नेचुरल पेयरिंग से आपके पास ब्रीडिंग रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं और इनमें इनफर्टिलिटी कम से कम हो जाती है। नेचुरल पेयरिंग से आपके बर्ड ब्रीडिंग सीज़न में अच्छी ब्रीड करेंगे। तो इसके बाद बात करते हैं डीवॉर्मिंग की। डीवॉर्मिंग का मतलब है जरासीम का खात्मा। आप सिंपली डेटोल को पानी में मिक्स करके अपने बर्ड्स के केजेस में और पूरे शेड में स्प्रे कर दें, जिससे केजेस और शेड में मौजूद बैक्टीरिया और जरासीम मर जाएंगी, जिससे आपके बर्ड्स को ब्रीडिंग सीजन में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि कैल्शियम और मल्टीविटामिन का ख़ास ख्याल रखें। आप कैल्शियम के लिए कैल्शियम पी और मल्टीविटामिन के लिए विटामिन सिरप वीक में एक मरतबा लाजमी यूज़ करवाएँ, जिससे बर्ड्स में तमाम किस्म की कैल्शियम और विटामिन्स की कमी पूरी हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखकर आप अपने बर्ड से ज़बरदस्त और लाजवाब ब्रीड ले सकते हैं। तो आखिर में बात करते हैं कि ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो कब रहा है। तो अमूमन ब्रीडिंग सीज़न अगस्त की 15 तारीख को स्टार्ट हो जाता है। लोग मटकियाँ और बॉक्सेस लगाना शुरू कर दिए जाते हैं, लेकिन कई इलाकों में मौसम गर्म होने के बायस यकम सितंबर तक भी ब्रीडिंग सीज़न चला जाता है। वैसे तो ब्रीडिंग सीज़न के लिए आइडियल महीना सितंबर का है, मगर आप अपने एरिया के लिहाज से देख लें कि आपको किस मंथ में बॉक्सेस और मटकियाँ लगानी हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।